पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के हिसाब से। अब यह अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा, अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपने अपने कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा जो सदग्रंथों से मेल खाता है, वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, विष्णु जी कहो चाहे श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं।
हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। अपुनात्मा, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदात्री है, जननी है, इनकी माता है। और तीसरा ये हो गया कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं और श्री शिव जी तमगुण हैं। चौथा ये हो गया कि केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं, अर्थात किसी के भी कर्म में ये फेरबदल नहीं कर सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, प्रारब्ध है, वो उतना ही आपको दे सकते हैं, उसे अधिक और कम नहीं कर सकते। ये आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में दुख है तो ये दुख ही देंगे, ये सुख नहीं कर सकते। आपके भाग्य में सुख है तो सुख ही आप प्राप्त कर सकोगे, ये उसमें भी बाधक नहीं बनेंगे। अपुनात्मा, प्रसंग चल रहा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का कहीं जन्म मृत्यु होता है, कहीं इनके माता पिता है। अब माता तो क्लियर होगी, अब पिता रह गया। अब पिता का प्रमाण देते हैं, श्री शिव पुराण इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो देखियो पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके 98वां पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, रुद्र संहिता। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98, यहाँ देखिएगा, इसमें 5वां अध्याय समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय शुरू हो गया, प्रश्न 99 पे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन यानी नारद से, अपने पुत्र से, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। सृष्टि के बारे में पूछा था नारद जी ने। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं, 100 पृष्ठ पर पढ़ते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्विच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपनात्मा, ये सदाशिव कौन है?
जो निराकार से साकार हुआ कह रहे हैं, ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती माया, ये दुर्गा के बारे में कहा जा रहा है, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, जो इस काल के शरीर से निकली थी उसका वर्णन है। उसी को प्रकृति, ये याद रखना, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। और वो प्रकृति अलग है, जो पांच तत्व और तीन गुण वाली, वो अलग है, ये प्रकृति दुर्गा के विषय में कहा है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की माता, उसके जन्म देने वाली कहा गया है। नित और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में जानकारी है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यही त्रिदेव जननी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माँ है, जन्मदात्री है। एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये है वो काल जो गीता बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब ये देखना 101 पृष्ठ पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक ही समय शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ, ये नाथ नहीं है, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल है, काल रूपी ब्रह्म, यानी प्रिया प्रियतम पति पत्नी रूप में जो परम पद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहां देखिएगा, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, यानी एक पुत्र को जन्म देना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखना, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृतमल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक लड़का उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पर देखिएगा, संक्षिप्त शिवपुराण आप पढ़ रहे हैं, यहां देख ज्यादा ना दिखा कितना दिखाएंगे। शिव ने कहा, वत्स उस काल ने कहा विष्णु को, जो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु के माता पिता स्पष्ट हैं, पवित्र शिवपुराण ने यह स्पष्ट कर दिया कि काल रूपी ब्रह्म ये सदाशिव जिसको कहते हैं, ये दुर्गा।